हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमने 37 नंबर की तक की जो क्लास है वो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है वो 38 नंबर से क्लास स्टार्ट करनी है। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर था, न्यू चैप्टर, कल हमने स्टार्ट किया था प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र। ठीक है, और ये जो क्लास होती है डेली शाम को 3 बजे होती है, बिल्कुल कोचिंग जैसा फ्री में कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है A to Z। ठीक है, और ये जो क्लासें हैं ये TGT, PGT, LT ग्रेड, जहाँ भी आर्ट पूछी जाती है वहाँ के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए, क्लास अगर पसंद आया करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वगैरह करते रहा करिए। ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर वगैरह करते रहा करिए। ठीक है, और देखिए देखिए, ये जो क्लास है ये डेली चलती है, कोई भी दिन का गैप नहीं होता है। ठीक है, जब कभी तबीयत वगैरह ख़राब हुई तो चाहे बीच में हो जाए, वरना वो भी नहीं होता है। ठीक है, डेली क्लास चलती है अपनी, और जो मतलब क्लास है बहुत फास्ट वे में चल रही है। कोशिश ये है कि एग्ज़ाम के पहले पहले कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री में करवा दिया जाए, फास्ट वे में। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट को चार चार बार रिपीट किया जाए, घंटा भर ऐसे ही बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप आधे घंटे भी दे रहे हैं तो शायद अन्य कोचिंग के 10 दिनों के बराबर आप एक दिन में यहाँ पर कंप्लीट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अंतर है हमारी क्लास में और अदर किसी की भी क्लास में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने है जोगी माता गुफा पढ़ा दी थी, बहुत क्लियरली हर पॉइंट कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए चलिए, रेडी हो जाइए सभी लोग। चलिए, हाँ, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए चलिए, तो स्टार्ट करें अपनी क्लास। चलिए, तो देखिए, कल हमने जोगी मारा पढ़ ली थी, आज हमें स्टार्ट करना है अजंता की गुफाओं के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है आज हमें अजंता की, अरे अजंता की गुफा। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, चलिए इसमें जो है हमें सबसे पहले पढ़ना है चलिए यही ठीक है। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, अजंता की गुफा पढ़नी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मैराथन को। चलिए, तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे इसमें कि अजंता की जो गुफाएं हैं ये हैं कहाँ पर। देखिए, सभी लोग आंसर करते जाइएगा, ठीक है, टक्कर दीजिएगा हमको। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पर, तो याद रखना है ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखनी है। महाराष्ट्र के किस जिले में है पूछा जाएगा, तो कौन से ज़िले में है, ये है औरंगाबाद में। ठीक है, याद रखना है औरंगाबाद ज़िले में है। फिर पूछा जाएगा कि अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण का प्रयोग होता है। कल हमने बताया था जो जोगी मारा गुफा है उसमें सबसे पहले हमें भित्ति चित्र मिलते हैं, फिर उसके बाद किस में मिलते हैं, अजंता के गुफाओं में। ठीक है, पूछा जाएगा कि अजंता की जो गुफाएं हैं इनको सबसे पहले किसने देखा था, अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था, तो याद रखना है इसको देखने वाले थे वेन सांग। किसने देखा था, वेन सांग ने देखा था। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि अजंता की जो गुफाएं हैं इसकी खोज सबसे पहले किसने और कब की थी, खोज की बात की जाए तो किसने की थी, जॉन स्मिथ ने। किसने की थी खोज, जॉन स्मिथ ने की थी। ठीक है, कब की थी, तो ये की थी 28 अप्रैल, लिख लीजिए 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में। ठीक है, कब की थी, 1819 ईस्वी में। ठीक है, फिर आपसे पूछा क्या जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर के। ठीक है, इसलिए सब कुछ अच्छे से देखते जाइएगा। ठीक है,
पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब पूछा जाता है कि अजंता गुफाओं तक पहुँचने के लिए जो उधर का निकट रेलवे स्टेशन है उसका नाम पूछा जा रहा है, रेलवे स्टेशन बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए माइंड में रखिए रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो याद रखना है ये कौन सा है, जलगांव नाम से एक रेलवे स्टेशन है, ये याद रखना है। फिर पूछा जाएगा कि अजंता का जो नामकरण हुआ है वो किस गांव के आधार पर हुआ है अजंता का नामकरण, तो ये याद रखना है एक वहां पर गांव था जिसका नाम था अजिंठा, ठीक है, अजिंठा नाम था गांव का, इसी नाम के आधार पर क्या नाम पड़ा गुफाओं का, अजंता गुफा पड़ा है, ठीक है, याद रखना है अजंता पड़ा है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अजंता गुफाओं के जो भित्ति चित्र हैं इनकी अनुकृतियां सबसे पहले किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई थी। क्या बोला हमने कि अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां, भित्ति चित्र की अनुकृतियां हैं जो, ये सबसे पहले किस अंग्रेज के द्वारा बनाई गई थी, तो याद रखना है किसके द्वारा, रॉबर्ट गिल के द्वारा, ठीक है, ये चीज याद हो गई। आगे पूछा जाएगा कि जो अजंता है भित्ति चित्र है ये किस राजवंश के शासन से संबंधित है, किस काल से संबंधित है, तो याद रखना है ये गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है, याद रखना है ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे आपसे पूछा जाएगा कि अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है, तो बता दिया हमने गुप्त काल से भी है और साथ ही साथ सातवाहन से भी संबंधित है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है, काहे को छूटे, कौन कौन से, सातवाहन से, लेकिन याद रखना है कि गुप्त वंश में सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन कार्य हुआ है, ठीक है, चित्रांकन कार्य जो है किसमें हुआ है सबसे ज्यादा, तो ये गुप्त काल में, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि जो अजंता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो अजंता की गुफा है कितने वर्ष में बनकर तैयार हो गई थी, तो ये बनकर तैयार हो गई थी 850 वर्ष में ये बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। पूछा जाता है कि अजंता की कौन सी गुफाओं में सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं, कौन सी गुफा है जिसमें सबसे प्राचीन चित्र मिलते हैं, बताइए क्या होता है राइट आंसर। तो याद रखना है जो चित्र, जो गुफा संख्या 9 है और गुफा संख्या 10 है, इनसे सबसे प्राचीन चित्र मिलते हैं, ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। कहां कहां से सबसे प्राचीन चित्र मिलते हैं, 9 और 10 से, ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो सबसे बाद में चित्रित गुफा है वो कौन सी है, बताइए सबसे बाद में जो चित्रित गुफा है तो ये जो है इसका आंसर, ये गुफा संख्या 1 है जो सबसे बाद में चित्रित हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक समस्या नहीं होगी, बहुत क्लियरली देखिए हर एक एक पॉइंट को क्लियर करके बताया है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपसे, अरे आगे आपसे पूछा जाएगा कि उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की गई है, बताना है अजंता के जो चित्र हैं उसकी सराहना किसने की है अपने लेख के माध्यम से, बताइए किसने की है, तो ये याद रखना है ये है ईवी हैवेल, किसने की है, ईवी हैवेल ने की है, ठीक है। फिर एक पुस्तक है भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास, इस पुस्तक के लेखक कौन है, छापो जल्दी से, एक बुक है
बताइए सभी लोग, भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास। इसको आपको बताना है कि इस पुस्तक को लिखने वाले कौन हैं। तो इसको लिखने वाले हैं, याद रखना है कौन है, लामा तारानाथ। किसने लिखा है? लामा तारानाथ ने लिखा है। और ये कहाँ के थे? ये तिब्बत के थे। ठीक है, तो यहाँ तक समस्या नहीं होगी, सारे पॉइंट क्लियर हैं। ठीक है, और देखिए ये जो तिब्बती चित्र इतिहासकार हैं, तिब्बती इतिहासकार हैं लामा तारानाथ, इन्होंने जो है बौद्ध कला की तीन शैलियों का वर्णन किया है। एक अरे इन्होंने जो है इन्होंने बौद्ध धर्म की, लिख लीजिए, इन्होंने बौद्ध धर्म की तीन शैलियों का वर्णन किया है। तीन शैलियों का लिख देते हैं, कौन कौन सी हैं वो तीन शैलियाँ। पहली शैली है देव शैली, ठीक है। दूसरी जो शैली है वो है नाग शैली, ठीक है। तीसरी शैली का नाम है यक्ष शैली। ये तीनों शैलियों को जो बताया है, किसने बताया है? तो ये बताने वाले हैं लामा तारानाथ, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ तक समस्या नहीं होगी, बहुत एक एक पॉइंट को बहुत क्लियरली खोल कर बता रहे हैं, जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं। तो याद रखना है दो प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं, एक विहार है, दूसरा चैत्य। चैत्य क्या है? पूजा स्थल है, ठीक है। और विहार क्या है? निवास स्थान है, ठीक है, उनके रहने के लिए निवास स्थान, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। फिर पूछा जाएगा कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, याद रखना है इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, तो इसमें टोटल 30 गुफाएं हैं, ठीक है, याद रखनी है। और पूछा जाएगा कि अजंता चित्रों का जो मुख्य विषय है, विषय क्या है, तो ये है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं पूछी जा सकती हैं, कितनी है जातक कथाएं, तो याद रखना है 547, 547, ठीक है। पूछा जाएगा जातक कथाएं हैं जो, इनकी मतलब क्या कहते हैं उसको, भाषा कौन सी है, तो इनकी जो भाषा है वो है पाली भाषा। कैसी है? पाली भाषा है। और पूछा जाएगा कि इसमें किसका वर्णन है, तो याद रखना है इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें हैं? तो ये जातक कथाओं में है, ठीक है। तो देखिए बहुत क्लियरली हर एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए पूछा जाएगा कि अजंता के चित्र किससे संबंधित हैं, तो अभी हमने बताया कि बौद्ध धर्म से हैं, तो महात्मा बुद्ध से संबंधित होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है, लिख लेते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अच्छे से दिमाग खोल के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए पूछा जाएगा कि गुफा संख्या एक जो है, अजंता की गुफा संख्या एक में किसका वर्णन मिलता है, तो ये याद रखना है इसमें बोधिसत्व वाल पेंटिंग मिलती है। क्या मिलती है? बोधिसत्व वॉल, अरे पेंटिंग मिलती है, ठीक है, याद रखना है ये चीज। पूछा जाएगा कि अजंता की जो गुफा संख्या एक है इसका निर्माण काल कब है, तो ये याद रखना है, कौन सा टाइम है ये? सातवीं शताब्दी है, ठीक है।
पूछा जाएगा फिर कि पद्म पाणि अवलोकितेश्वर का चित्र कहाँ मिलता है, बहुत पूछा जाता है। पद्म पाणि सब समझते जाइएगा, अवलोकितेश्वर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, अवलोकितेश्वर जो है इसका चित्र कहाँ मिलता है, तो ये भी गुफा संख्या एक में ही है, ठीक है, वही चीज है। आगे आगे चलते हैं, अब आती है बात गुफा संख्या दो के बारे में। तो 1000 बुद्ध जो हैं ये किस गुफा में मिलते हैं, 1000 बुद्ध। तो आपको कैसे याद करना है कि तुम 1000 दोगे, मैं 2 दूंगा, तो कैसे याद किया, 1000 बुद्ध की जो चित्र मिलते हैं कहाँ पर, दूसरी गुफा में, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सभी लोग टाइप करते जाइए, ठीक है, आप लोग बताते जाइए आंसर। तो क्या बोला हमने कि अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, पूछा जाएगा। अजंता के जो चित्र हैं, अजंता के जो चित्र हैं उनका जो माध्यम पूछा जा रहा है, इसका माध्यम क्या है, तो याद रखना है कौन सा माध्यम है, ये है टेम्परा माध्यम। क्या है, टेम्परा माध्यम है, ठीक है। लेकिन अगर अभी कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन जो आते हैं टेम्परा नहीं देता है, कभी कभी फ्रेस्को टेक्निक दे देता है, फ्रेस्को तकनीक, ठीक है। तो क्या है, अगर टेम्परा ना दिया हो तो ये फ्रेस्को तकनीक होगा, इसको कर दीजिएगा, ठीक है। पूछा जाएगा कि अजंता जो भित्ति चित्र हैं ये सबसे ज़्यादा अच्छा किसका उदाहरण है, तो ये मिश्रित माध्यम का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा ये जो चित्र हैं ये किसका उदाहरण है, तो ये मिश्रित माध्यम का उदाहरण है, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि अजंता के जो भित्ति चित्र हैं इसमें किन रंगों का प्रयोग हुआ है सबसे ज़्यादा, तो इसमें जो है खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, मतलब भूमिज रंगों का, ठीक है। चलिए तो देखिए आज हम केवल इतना ही रखते हैं, इसके आगे काफ़ी सारी जो गुफाएं हैं बहुत इम्पोर्टेंट, उनको हम कल देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, और देखिए क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए आज हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, सभी लोग आंसर इसका बताइएगा। पूछा जाएगा आपसे कि जो अजंता है, अजंता का नामकरण हुआ है किस गांव से हुआ है, किस गांव के नाम से हुआ है, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है चैत्य जो गुफाएं हैं ये किसके लिए होती हैं, ठीक है। और तीसरा आपको बताना है कि जो जातक गुफाएं, सॉरी जातक कथाएं हैं जो, ये इनकी संख्या कितनी है ये बताना है, प्लस इसमें किसका वर्णन है ये बताना है, प्लस जो जातक कथाओं की भाषा है ये बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आज आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास पसंद आ रही हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, और लाइक वाइक करते रहा करिए, सब्सक्राइब वगैरह, ठीक है।